Hello students, my name is Vaishali and I am your English language trainer. Welcome to my YouTube channel New Urban Computer Classes. So, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी जितनी वीडियो अपलोड होती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है हमारी शुड। शुड का यूज हमें कैसे करना है और कहाँ करना है और उनको किन सेंटेंसों में बोलना होता है, तो वो सब हम आज की वीडियो में क्लास में सीखेंगे। तो शुड का यूज सबसे पहले हमें सीखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन वाक्यों में करना होता है शुड का यूज। तो शुड का यूज हम उन सेंटेंसों में करते हैं जहां हमें बोला किसी को सलाह देनी होती है, जहां हम किसी को एडवाइस देते हैं उन सेंटेंसों में हम शुड का यूज करते हैं। सपोज आप किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें जिम ज्वाइन करनी चाहिए, तुम्हें कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो इस तरह से जो हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं उसको, तो वहाँ हमें शुड का यूज करना होता है, शुड का यूज करना होता है। ओके, तो शुड का यूज हमें कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए, शुड का यूज ऑफ शुड, शुड का यूज हमें जब किसी को एडवाइस देनी होती है तब हम वहाँ पर शुड का यूज करेंगे। देखिए, सलाह देने के लिए या चाहिए कि रखने में शुड का यूज करना होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, जैसे डू यू प्रैक्टिस एट होम, क्या तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस मतलब किसी भी डांस प्रैक्टिस हो सकती है, इंग्लिश प्रैक्टिस हो सकती है, अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिस को किसी को पूछना होता है तो हम कैसे बोलेंगे, डू यू प्रैक्टिस एट होम। ये दूसरे तो हम सिंपली क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हम दूसरे क्वेश्चन करते थे वैसे ही सेम सेंटेंस में हम डू का यूज करेंगे। डू यू प्रैक्टिस एट होम, क्या तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो। हाँ, तो हमारे पास यह नेगेटिव आंसर है, नो आई डोंट प्रैक्टिस एट होम, नहीं मैं घर पर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं घर पर अभ्यास नहीं करता हूँ। नो आई डोंट प्रैक्टिस एट होम, यहाँ पर आप पूछेंगे हमने नो में ही क्यों दिया आंसर, पॉजिटिव आंसर क्यों नहीं दिया। पॉजिटिव आंसर अगर हम यहाँ दे देंगे तो जैसे डू यू प्रैक्टिस एट होम, क्या तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो, यस आई प्रैक्टिस एट होम, हाँ मैं घर पे करता हूँ। लेकिन हमें जो यहाँ पर शुड का यूज करना है, तो शुड का यूज हम तो तभी करेंगे जब हमारे पास कोई निगेटिव आंसर आए। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन करा उसका आंसर रॉन्ग में आए, गलत आए, तभी तो हम सामने वाले को एडवाइस देंगे, और अगर ठीक आते तो हम एडवाइस क्यों देंगे। इसलिए हमें यहाँ पर निगेटिव आंसर दिया है। लेकिन डू यू प्रैक्टिस एट होम, नो आई डोंट प्रैक्टिस एट होम, यहाँ हमने क्वेश्चन करा तो हमारे पास निगेटिव आंसर आ गया, नहीं मैं घर पर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अब आप उसको एडवाइस दोगे, एडवाइस देनी है तो क्या बोलेंगे, यू शुड प्रैक्टिस एट होम, यू शुड प्रैक्टिस एट होम। तो यहाँ हमने शुड का यूज किया है, यू शुड प्रैक्टिस एट होम, तुम्हें घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस एट होम, यहाँ हमने कह दिया तुम्हें घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहिए आया इसलिए मेरा शुड हो गया, या फिर हम सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर शुड का यूज करा है। ओके, अब यहाँ आपने एडवाइस तो दे दी, बट जो सामने वाले पर्सन है वो क्या कहेगा। ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस इट होम, अब आप क्या कहेंगे, ओके आई विल टेक केयर, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, यानी ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तो क्या बोलेंगे, ओके आई विल टेक केयर, ओके आई विल टेक केयर। यहाँ दो पर्सन के बीच में बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन आपसे बोल रहा है डू यू प्रैक्टिस इट होम, No, I don't practice at home. अब तो फर्स्ट पर्सन ने आपसे क्वेश्चन करा ना, टू से भाई आपको एडवाइस दे रहा है यू शुड प्रैक्टिस एट होम, तब आप कहेंगे ओके आई विल टेक केयर, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। देखिए इसी क्या दे रहा है, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, डू यू अब्यूज अदर, क्या तुम दूसरों को गाली देते हो, क्या तुम दूसरों को गाली देते हो, डू यू अब्यूज अदर। अब ये तो एक बैड हैबिट होती है, बैड हैबिट है, वैसे तो आप नहीं देते, पॉजिटिव आंसर दे देंगे, पर हमें यहाँ पर एडवाइस देंगे, एडवाइस देने के लिए यहाँ जबरदस्ती पॉजिटिव आंसर देंगे, यस आई अब्यूज अदर, आई अब्यूज अदर। ठीक है, यहाँ पर बैड हैबिट है बट आप ये पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, पॉजिटिव आंसर देंगे तभी तो सेकंड पर्सन जो आपके लिए
person acquires vaikritika. You should not abuse other. अब आप बोलेंगे okay यार, it's clear. This sentence is common. ये जो common ही आपका sentence बोला है. Okay यार, it's clear. ठीक है, मैं डाल रखूंगा. इस तरह से हमें जो should का use है present tense में, जो present में हम अभी के लिए सदा कहते हैं, present में वहां हम उसका should का use कर देते हैं. देखिए अब कुछ हमारी action ही actions देखते हैं. फर्स्ट एक्शन हमारे obey your parents. Obey your parents मतलब अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना. Obey your parents. Go to bed late. बिस्तर पर देर से जाना. Sleep 7 hours a day. एक दिन में 7 घंटे सोना. Use dustbin. Dustbin का use करना. Keep your words. अपने शब्दों को बनाए रखना. मतलब कि बार बार बात को ना पलटना. उसको हम क्या बोलेंगे? Keep your words. Come to institute regularly. Institute नियमित आना. Read English newspaper. English newspaper पढ़ना. Go to gym. Gym जाना. Follow the traffic rule. Traffic rules को follow करना. Spit on the road. सड़क पर थूकना. इस तरह से हमारे action है. अब हम इन actions को अपने example के थ्रू बोलेंगे. ठीक है, first action हमारे obey your parents. आप कुछ करेंगे. Do you obey your parents? Do you? यहाँ हमारे do you तो बोलेंगे, ये हमारी थी action practice at home. यहाँ हमें change करना है action. Action हम यहाँ से उठा के यहाँ पर ये बात लेंगे. Do you obey your parents? क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो? Obvious दिया, positive answer ही देंगे. But यहाँ आपको opposite answer देना है, यानी negative answer देना है. No, I don't obey my parents. नहीं, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ. यहाँ निगेटिव आंसर देंगे तभी तो सामने वाले पर्सन आपको एडवाइस देगा. तो आपने निगेटिव आंसर दे दिया, जो सामने वाले पर्सन वाला फर्स्ट पर्सन बोलेगा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए. ओके, तब क्या बोलेंगे? ओके, आई विल टेक केयर. ठीक है, अब हमारी सेकेंड एक्शन है, डू यू गो टू बेड लेट. क्या तुम बिस्तर पर देर से जाते हो? डू यू गो टू बेड लेट? देर से जाते हो? तो यहाँ आपको क्या बोलोगे? निगेटिव बोलोगे आप, बट यहाँ पर हमें अपोजिट आंसर देना है. क्या बोलेंगे? यस आई गो टू बेड लेट. यस आई गो टू बेड लेट. अब आप पॉजिटिव आंसर दोगे तभी तो वो आपके लिए एडवाइस देगा. यू शुड नॉट गो टू बेड लेट, तुम्हें बिस्तर पर देर से नहीं जाना चाहिए. ठीक है, ओके आई विल टेक केयर. सिंपली आप लास्ट में क्या बोलेंगे? एडवाइस देने के बाद ओके आई विल टेक केयर. किसी ने आपको एडवाइस दी, अब आप उसको क्या बोलेंगे? ओके आई विल टेक केयर, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा. थर्ड हमारे स्लीप 7 आवर्स अ डे. डू यू स्लीप 7 आवर्स अ डे? क्या तुम एक दिन में 7 घंटे सोते हो? या आई स्लीप 7 आवर्स अ डे. ओके, अब यहाँ हमें एडवाइस देने, यू शुड नॉट स्लीप 7 आवर्स अ डे. ओके आई विल टेक केयर, वेरी गुड. Fourth, use dustbin. Do you use dustbin? No, I don't use dustbin. You should use dustbin. Okay, I will take care. इस तरह से आप ये जितनी भी एक्शन है टू पर्सन के बीच में अच्छे से कन्वर्सेशन हो जाएगी. दोनों से क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर जो है अपोजिट बोलना है. अपोजिट आंसर बोलेंगे तभी आपको एडवाइस देंगे. एडवाइस देने के बाद आप बोलेंगे ओके आई विल टेक केयर. जो हमारा शुड का यूज होता है, ये हमारे नॉर्मल जो हम बोलते हैं डेली में बोलते हैं उसका भी बहुत सारा यूज होता है, काफी यूज होता है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, शुड का यूज किस तरह से कहाँ करना है, नेगेटिव आंसर देना है तो हम किस तरह से बोलेंगे, पॉजिटिव देना है तो किस तरह से बोलेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी रिलेटिव है उनके पास शेयर करें. और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताएं. Thank you very much for watching my this video.